जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर द्रव्य के तापीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है वो ये है कि किसी बड़े स्टील के पहिए, स्टील का कोई बड़ा पहिया है, को उसी पदार्थ के किसी धुरी पर ठीक बैठाना है। समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, धुरी पर एक पहिए को बैठाना है। अगर ये धुरी है तो किसी पहिए को ला करके एकदम इसी पर सेट कर देना है कि दोनों एक दूसरे से चिपक जाए। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धुरी का व्यास, तो व्यास यानी डायामीटर होता है और डायामीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर व्यास को हम D27 मान लेते हैं। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर धुरी का व्यास 8.70 सेंटीमीटर है। ये 8.70 सेंटीमीटर है। फिर देखे आपसे कहा जा रहा है, तथा पहिए के केंद्रीय छिद्र का व्यास, पहिया देखिए धुरी है और धुरी में पहिया को फिट करना है तो पहिए में छेद होगा और पहिए को ला करके यहाँ पर सेट किया जाएगा। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि पहिए का केंद्रीय व्यास 8.69 है, तो केंद्रीय व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और ये आपको दिया हुआ है 8.69 सेंटीमीटर। शुष्क बर्फ द्वारा धुरी को ठंडा किया जाता है, धुरी को जब ठंडा किया जाएगा तो पहिए में जा करके वो चिपक जाएगा। शुष्क बर्फ द्वारा धुरी को ठंडा किया जाता है, किस ताप पर पहिया धुरी पर चढ़ेगा। हम मान लेते हैं कि टी ताप पर पहिया धुरी पर चढ़ जाएगा, तो टी ताप पर तब व्यास को हम मान लेंगे 8.69 सेंटीमीटर। और फिर कहा जा रहा है कि यह मानिए कि आवश्यक ताप परिसर में स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक, तो रेखीय प्रसार गुणांक जो है अल्फा होता है और ये आपको दिया हुआ है 1.20 × 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स दिया हुआ है। ये 1.20 × 10⁵ केल्विन इनवर्स दिया हुआ है। तो चलिए, टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है और टेम्परेचर यानी बाद वाला टेम्परेचर, देखिए पहले का टेम्परेचर तो आपको दे दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद वाला टेम्परेचर आपसे पूछा जा रहा है, तो चले ध्यानपूर्वक देखें। अच्छा, हम लोग जो समीकरण देखे थे, ये समीकरण देखे थे RT=R01+αT, बिल्कुल इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे लेकिन डायामीटर के रूप में करेंगे, व्यास के रूप में करेंगे। तो देखें, जहाँ प्रतिरोध R था वहाँ हम डायामीटर कर देंगे, तो RT=, यहाँ पर जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो DT=, हो जाएगा D0 और फिर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा और ये हो जाएगा टी जो है तापांतर होता है, तो टी के जगह पे हम चाहे तो लिख सकते हैं Δt लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर सबकी वैल्यू को हम देखें और रख करके देखा जाए कि वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो देखा जाए तो
तो टी डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो डायामीटर है वो दिया है, डीटी की वैल्यू 8.69 हम रख लेते हैं, 8.69 इज इक्वल टू डी जीरो जो होगा, ये अब यहाँ पर डी जीरो नहीं बल्कि ये जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ हो जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायामीटर। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डायामीटर दिया है वो 8.70 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का भी मान हम यहाँ रख लेते हैं, और ये अल्फ़ा की जो वैल्यू है ये 1.2 × 10⁻⁵ और फिर ये डेल्टा टी है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो देखें अब दो तरीके, या तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए और या तो सीधे इसको हम इधर ला दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8.69 अपॉन 8.70 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1.2 × 10⁵ डेल्टा टी। 1 को हम इधर ला देते हैं, तो 1 को इधर ला देंगे तो फिर देखें ये वैल्यू क्या होगी, तो ये मिलेगा आपका 8.69 अपॉन 8.70 और माइनस हो जाएगा 1 बराबर के पहले आ गया तो माइनस हो गया, और ये इज इक्वल टू 1.2 × 10⁵ डेल्टा टी हो जाएगा। अब इसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए इसकी क्रिया की जाए यहाँ पर, तो ये हो गया 8.69 माइनस 8.70 और फिर ये हो जाएगा आपका 8.70 इज इक्वल टू 1.2 × 10⁵ डेल्टा टी। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो -0.10 आ जाएगा। देखिए इसमें से माइनस कीजिए तो ये मिलेगा आपको, हाँ ये जो है -0.10 आ जाएगा, ये जो है -0.01 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 8.70 और देखिए ये जो 1.2 × 10⁵ है ना, इसको भी हम इधर ला देते हैं, 1.2 × 10⁵ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखें ये जो 10⁻⁵ है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं तो -0.01 अपॉन 8.7 × 1.2 और 10⁵ को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁵ और इन इक्वल टू हो गया डेल्टा टी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये है माइनस, और देखें अगर यहाँ पर 10⁻2 कर दें तो 10⁻2 × 10⁻3 कर दें तो 10⁻2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका -1 और फिर 10⁻3 है तो ऐसा करिए ना, 10⁻3 है तो कर दीजिए -1000 कर दीजिए, -1000 हो गया, और नीचे है आपका ये 8.7 × हो गया 1.2 और ये इक्वल टू हो गया डेल्टा टी। तो अब जो है इसको और हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करें तो देखें ऊपर नीचे जो है 10 से गुणा करिए पहले, तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा और ये दशमलव हट जाएगा, फिर ऊपर एक और 10 से गुणा करिए तो एक और 0 आएगा और ये 12 हट जाएगा, ये हो गया आपका डेल्टा टी।
अच्छा इसको चाहे तो हम कटा सकते हैं, और चलिए अगर चार से कटाएं तो चार त्याई 12 हो जाएगा, और चार से इसको कटा देंगे तो ये 25 हो जाएगा, यानी माइनस ये हो गया 25,000, और बटा में हम 7 से गुणा कर दें इसमें तो ये 7 × 21 हो जाएगा, 1 हासिल 2, और फिर जो है 3×8 = 24 और 24×2 = 25 हो जाएगा, ये 251 हो जाएगा, और ये बराबर हो गया डेल्टा टी। अब हम इसमें भाग दे दें तो भाग दे देंगे तो ये वैल्यू जो आएगी ये -95.8 के इक्वल करीब आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो, और ये वैल्यू हो गई डेल्टा टी। यहाँ हम लिख देते हैं ये वैल्यू हो गई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी जो है तापांतर होता है, और तापांतर हम निकालते हैं T2 − T1 करते हैं, तो डेल्टा टी के जगह पे T2 − T1 = −95.8°C हो जाएगा। आपको T2 की वैल्यू पूछी जा रही है, और देखिए T1 का मान आपको मालूम है, तो T2 और T1 का जो मान, पहले का जो टेम्परेचर था वो 27°C दिया था, ये 27°C कर देंगे −95.8। अब यहाँ से T2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 27 − 95.8। अब जो है 27 से −95.8 को माइनस कर दिया जाए तो ये जो है −68.8 आ जाएगा, और फिर इसको हम लगभग देखिए ये डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे, और लगभग इसको देखिए 8 जो है 5 से बड़ी संख्या है तो इसको 1 मानकर पहले वाले में जोड़ देंगे तो ये −69°C हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे आपको ये आपसे पूछा जा रहा था कि शुष्क बर्फ से इसको ठंडा किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब धूरी को −69 तो माइनस का मतलब होता है ठंडा करना, टेम्परेचर घटाना, तो धूरी को अगर −69°C ताप तक ठंडा किया जाएगा तो इस स्थिति में पहिया जो है धूरी पर बिल्कुल सही तरीके से जा करके सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है तांबे की चादर में एक छिद्र किया गया है, 27°C पर छिद्र का व्यास 4.24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए 27°C पर व्यास दिया हुआ है, व्यास को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये वैल्यू आपको दी गई है 4.24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस धातु के चादर को 227°C तक गर्म करके, अब एक बात समझ लीजिए, सामान्य जो रूम का टेम्परेचर होता है वो 27°C होता है, क्योंकि पहले रूम टेम्परेचर 25°C था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रूम टेम्परेचर 27°C हो गया है। तो T1 की वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कि ये 27°C होता है, और इस धातु के चादर को 227°C तक गर्म करने पर 227°C यानी T2 की जो वैल्यू है 227 दिया हुआ है, 227°C तक गर्म करने पर छिद्र के व्यास में क्या परिवर्तन होगा। छिद्र के व्यास में होने वाला परिवर्तन, तो प्रारंभिक व्यास तो डी है, और व्यास में होने वाला जो परिवर्तन होगा उसको हम डेल्टा डी लिख सकते हैं। तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक,
तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा होता है और ये 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 केल्विन दिया हुआ है, केल्विन इनवर्स दिया हुआ है। तो देखें, जैसा कि हम लोग जब रेखीय प्रसार गुणांक पढ़ रहे थे तो रेखीय प्रसार गुणांक में हमने देखा था कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा इंटू डेल्टा टी था, यहीं से हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का मान ज्ञात किए थे। तो अब अगर एल के जगह पर हम डी कर दें तो देखें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा डेल्टा डी इज इक्वल टू डी इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब हम यहाँ पर सब मान रख करके सॉल्व करते हैं, डेल्टा डी का ही मान यानी व्यास में होने वाला परिवर्तन आपसे पूछा जा रहा था, तो ये हो जाएगा डी की वैल्यू 4.24 और अल्फा की जो वैल्यू है ये 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 दिया है और डेल्टा टी का मतलब जानते हैं T2 माइनस T1। तो देखिए आप यहाँ सीधे ना, T2 की वैल्यू है 227 डिग्री सेंटीग्रेड और T1 की वैल्यू है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 227 में से 27 को माइनस कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 200। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो चलिए देखा जाए, अब जो है हम 4.24 का हम गुणा कर देते हैं 1.7 में, लेकिन पहले देखिए ये डेल्टा डी बराबर 4.24 और सुनिए ये 1.7 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो एक काम कर देते हैं, जीरो बल्कि यहाँ से हटा लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 17 और फिर देखिए क्या हो जाएगा, फिर ये जीरो हटा देंगे तो 10^-4 हो जाएगा और फिर यहाँ गुणा कर दिया जाए तो 17 × 2 = 34 हो जाएगा, तो ये हो गया 34×10^-4 हो जाएगा। अब इनका हम लोग गुणा कर दें तो गुणा करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी आपके, देखें डेल्टा डी इजकल टू, अब इसका अगर हम गुणा कर लेना तो ये वैल्यू जो आएगी यहाँ देखें लगभग ये 144 इंटू 10^-4 ये -4 हो जाएगा, -4, लेकिन विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक रखना जरूरी होता है, तो इसमें 100 से भाग और 100 से इसका गुणा करिएगा लगभग इतना आएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 34 का लगभग ये करके आ जाएगा ये मान। तो अब यहाँ से डेल्टा डी की वैल्यू हम निकालें तो ये 10^-4 है, तो अब यहाँ पर 100 से भाग और 100 से गुणा कर दें तो 100 से भाग कर देंगे तो 1.44 और 100 से गुणा कर देंगे तो 10^-2 हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा कि व्यास में कितनी वृद्धि होगी, तो व्यास में जो होने वाली वृद्धि होगी ये 1.44 इंटू 10^-2 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो इस प्रकार जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है और हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।